दो दिनों के बाद व्लादिमीर लेनी प्रतिमा को त्रिपुरा में गिरा दिया गया था। कोयम्बतूर में भाजपा कार्यालय ने पेट्रोल बम पर हमला किया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार तमिलनाडु के कोयम्बतूर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर तमिलनाडु के कोयम्बतूर में एक भाजपा कार्यालय पर बुधवार की शुरुआत में हमला किया था। व्लादिमीर लेनिन की मूर्ति के दो दिन बाद में त्रिपुरा के बेलोनिया शहर में गिरा दिया गया था। सीसीटीवी दृश्य इमारत में पेट्रोल बम फेंकने अज्ञात दुश्मनों को दिखाता है। रिपोर्टों का कहना है कि पुलिस वर्तमान में घटना की जांच कर रही है और अधिक जानकारी जल्द ही सामने आने की संभावना है। राज्य के वेल्लोर जिले में एक अन्य घटना में मंगलवार को तिरुपत्तूर निगम कार्यालय के अंदर द्रविड़ के कार्यकर्ता पेरियार की एक मूर्ति को ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस ने अपराध के संबंध में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। यह घटना तमिलनाडु के भाजपा नेता एच राजा के कुछ घंटों के बाद सामने आई है कि ईवी रामास्वामी, जिसे आमतौर पर पेरियार के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु में लेनिन के समान एक भाग्य से मिलेंगे। राजा ने पेरियार को एक पोस्ट में फेसबुक पर डाल दिया, जिसे बाद में हटा दिया गया था। लेनिन कौन है? भारत के साथ उनका क्या संबंध है? साम्यवाद और भारत के बीच संबंध क्या है? लेनिन की प्रतिमा त्रिपुरा में टूट गई थी, आज यह त्रिपुरा में लेनिन की मूर्ति है। कल यह जाति उत्साही ईवी रामास्वामी पेरियार होगा, तमिलनाडु में प्रतिमा, उन्होंने लिखा था। सोमवार को लेनिन मूर्ति की बर्बरता त्रिपुरा से मिली बड़े पैमाने पर हिंसा का हिस्सा थी, क्योंकि राज्य के विभिन्न हिस्सों में सीपीएम कार्यालयों का विरूपण हुआ था। द इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 5 सालों से लेनिन की मूर्ति बेलोनिया के कॉलेज स्क्वायर में खड़ी हुई थी। इससे पहले भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय के रोने के लिए नीचे लाया था। सीपीएम ने हिंसा की निंदा की है और इसे साम्यवाद भय कहा है। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव राम माधव ने एक पोस्ट को यह कहते हुए ट्वीट किया था कि लोग लेनिन की प्रतिमा को नीचे ले जा रहे हैं और त्रिपुरा चुनावों के लिए पार्टी के नारे का इस्तेमाल करते हैं, चलो पार्टी इसके साथ। हालांकि उन्होंने बाद में इसे हटा दिया। गृह मंत्रालय ने बर्बरता के इन उदाहरणों के लिए गंभीर नोट को कहा और कहा कि अपराधियों को कानून के अनुसार पेश किया जाएगा। आधिकारिक बयान पढ़ते हैं। देश के कुछ हिस्सों में कानूनों को खारिज करने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। गृह मंत्रालय ने बर्बरता की ऐसी घटनाओं का गंभीर रूप से ध्यान दिया है। गृह मंत्री ने इस तरह की घटनाओं का मजबूत असर दिखाया है। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि उन्हें सभी जरूरी इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए उपाय, ऐसे कृतियों में शामिल व्यक्तियों को कड़ाई से निपटा जाना चाहिए और कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दर्ज किया जाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री ने इस संबंध में गृह मंत्री से भी बात की।